सिरोंज में बनियाढाना गांव के लोगों ने सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ना देने का आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और आवास योजना का लाभ ना मिलने की बात कही। देखिए ये खबर। सिरोंज में बनियाढाना गांव के लोग आज तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि शासन द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। मामला ये, हमें कुटी नहीं मिलती, जीवन हीट का हमरो ऐसा ही, और बाप मैं तार इनको हीट का और सारे लोगों की, बड़े लोगों की कुटी मिलती है। हमसे जा कह देते तुम्हारी आई नहीं है, हम इसे कह देते माँ फार्म भरे, आप फार्म भर देते हैं, फिर मैं कागजों में बहुत रुपया लग गए, अब तक कुटी नहीं हीटी, हमरी यू मर जाओगे, दांत एक नहीं बचो हैं, वो टपरा में रह रहा है, ना मानो तो तुम हमरी कोई भी जांच करके वहाँ अधिकारी भेजो और जांच करी जाए कि हाँ वास्तव में बात जई है या नहीं है। वो सेक्रेटरी कह देता है तुम्हारी नहीं आई कुटी, लाओ कागज दे दो, कागज दे रहा है धल रहा है कापा तो कहाँ कर रहा है, कोई पता नहीं है, हमें बिना पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते नहीं है। तो वो ये को नरेश रघुवंशी, हम तो 5-7 बार दे चुके, जन सुनवाई में भी दे चुके, कोई नहीं सुन रहा साहब। अभी कुछ जे मांग कर रहे थे पर कोई नहीं मिले, उन्हें तो पावती दे रही, अभी तो कुछ बात नहीं भाई, कोई से आपसे इतनी हो रही है बात बस। बनिया ढाने का आवेदन कलेक्टर साहब को दिया है और उनसे चर्चा भी हो चुकी है सभी लोगों की, जिला स्तर से उसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी, जो भी जांच के उपरांत दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये अभी संज्ञान में नहीं आया कि। वही पूरे मामले में गांव के सचिव का कहना है कि गांव में 4 से 5 कुटीर स्वीकृत हुई है, उससे ज्यादा देने का अधिकार उनके पास नहीं है। आज सुबह हम लोग ग्राम में थे, कुछ शासकीय कार्य कर रहे थे, तो 10-20 ग्रामवासी आए, कहे भाई हमें इंदिरा आवास चाहिए, तो हमने बोला भाई हमारे यहाँ 4 आई हैं, 5 आई हैं और हम 5 ही लोगों को दे पाएंगे, आगे टारगेट अगर आएगा तो हम जरूर देंगे आपको, आप प्रतीक्षा सूची में हो। कह लगे नहीं वो आप हमें दो, कहीं से दो, कह लगे ऊपर से तो आती हैं आप लोग नहीं देते, तो मैंने कहा नहीं भाई हमारे यहाँ 4 ही आई हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स भी बताए उनको। फिर बाद में कहने लगे कि भाई हमारी राशन पर्ची बनाओ, तो मैंने कहा भाई तुम लोगों के पास राशन पर्ची पूर्व से हैं BPL की, और कुछ लोगों की ई श्रम कार्ड में बनना थी, जो हमें ऊपर से जनपद स्तर से जो लिस्ट मिली थी उसकी हम पूर्ण रूप से बना चुके हैं, तो अब हम नहीं बना सकते। तो इतने में वो कहने लगे भाई अगर आप नहीं करते हमारी मांगे पूरी तो फिर हम ऊपर जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए सचिव और अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News सिरोंज।